लंका प्रीमियर लीग की ग्रुप स्टेज खत्म हो चुकी हुई है और पाकिस्तान और बाबर आजम के फैंस के लिए एक बहुत ही सैड न्यूज है। वो ये है कि बाबर आजम जो कि दुनिया के नंबर वन प्लेयर हैं ओडीआई के अंदर, टी20 के अंदर मेरा ख्याल है दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर है, टेस्ट के अंदर चौथे नंबर के ऊपर है, मतलब कि माने जाते हैं बड़े प्लेयर के लिहाज से। लंका प्रीमियर लीग के सबसे बड़े प्लेयर गए थे बाबर आजम और बाबर आजम की टीम जिसके अंदर इन्होंने एक मैच में कैप्टनसी भी की, बाकी अगले जो एंड वाले दो मैचेस से लास्ट उसके अंदर कैप्टनसी नहीं किया था, प्लेयर खेले लेकिन चले नहीं। बाबर आजम पिछले तीनों मैचेस में नहीं चले और इनकी टीम जैसे कहते हैं ना पुअर परफॉर्मेंस दिखाई। और हुआ कुछ यू के छह टीमें थी लंका प्रीमियर लीग के अंदर, सॉरी पांच टीमें थी लंका प्रीमियर लीग के अंदर और पांच में से चार ने क्वालिफाई करना था और गेस व्हाट, निकल गई बाहर, बाबर आजम की टीम बाहर हो गई। जी हाँ, बाबर आजम की। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जैसे कहते हैं डिक वेला की टीम थी, ये मैं ये नहीं कहूंगा ये किसको कहते हैं ना श्रीलंका या किसी के प्लेयर की टीम थी, मैं ये कहूंगा ये बाबर आजम की टीम थी क्योंकि जिस किस्म का स्टार्ट बाबर आजम ने लिया था, अभी तक हाईएस्ट रन गेटर है इस लीग का। बाबर आजम को चाहिए था कि वो जिसको कहते हैं ना कि ये वाला मैच, क्योंकि बाबर आजम ने सेंचुरी मारा, बाबर आजम के लिए खेलना बड़ा आसान था, लेकिन बाबर आजम जब नहीं चलता तो फिर हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का भी क्या हाल होता है और लंका वाली टीम कोलंबो स्ट्राइकर का भी क्या हाल होता है। कोलंबो स्ट्राइकर आपके सामने जिस मैच में बाबर आजम नहीं चला उस मैच के अंदर पुअर परफॉर्मेंस दिखाई है और आपके सामने ही है, तो आज तो ये 75 के ऊपर ऑल आउट हो गए, इतनी बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है और सबको छोड़े। मैं अगेन बात करूंगा कि खाली बाबर आजम नहीं, इफ्तकार अहमद, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह की इंजरी के ऊपर भी आएंगे। एक तो लीग जिसको कहते हैं इनकी टीम भी बाहर होगी, ऊपर से नसीम शाह की इंजरी का भी मसला बन गया है, तो नुकसान तो पाकिस्तान का बड़ा हुआ है कि पाकिस्तान का प्लेयर एशिया कप से पहले इंजर्ड हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबर आजम को एटलीस्ट जिसको कहते हैं ना प्लेऑफ तक क्वालिफाई करवाना चाहिए था अपनी टीम को, क्योंकि बाबर आजम सबसे महंगा प्लेयर था। देखिए जब बाबर आजम परफॉर्मेंस दिखाता है मैं बाबर आजम की तारीफ हमेशा करता हूँ, लेकिन एज अ जिसको कहते हैं ना फैन भी समझ ले, एज जिसको कहते हैं ना क्रिकेट होस्ट ही समझ लीजिए कि मतलब कि मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि बाबर आजम एक बड़ा ब्रांड है। बाबर आजम अपनी पावर के थ्रू सिंगल हैंडली अपनी टीम को क्वालिफाई करवा सकता था क्योंकि बाबर आजम का बल्ला चलना था, इसकी टीम ने जीतना था। बॉलिंग इनके पास अच्छी थी, बल्लेबाजी में इनका मसला था, लेकिन बाबर आजम जिसको कहते हैं तीन मैचेस में चला है, एक में जिसको कहते हैं स्लो 50 था, एक में 41 मारा था और एक में 100 मारा है, तो उसके बाद जो बाकी मैचेस है उसमें बाबर आजम नहीं चला। वो ये जिसको कहते हैं ना ये परेशान कुन वाली चीज है कि बाबर आजम जैसा प्लेयर आउट हो जाए। अब ये वाला जो मैच आज ये लोग हारे हैं इसमें बाबर आजम का रन करना बहुत ज्यादा जरूरी था, अगर ये लोग जीते ये लोग क्वालिफाई कर जाते। इसी के साथ साथ पिछला मैच में बाबर आजम का रन करना जरूरी था लेकिन वो आउट हो गया, उसके बावजूद उसकी टीम मैच जीत गई। उससे पिछले मैच में बाबर आजम का रन करना जरूरी था लेकिन बाबर आजम उस मैच में नहीं चले। तो कहने का मकसद ये कि लगातार तीन फ्लो गए हैं मैचेस बाबर आजम के, इन तीनों में से बाबर आजम कम से कम दो मैचेस में चलना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि कोलंबो स्ट्राइकर बहुत बुरा खेली है लेकिन बाबर आजम भी अच्छा नहीं खेला। बाबर आजम ने सेंचुरी मारी है, बाबर आजम का वो मैच बड़ा अच्छा था, इसी टीम के खिलाफ मारी थी, आज इसी टीम के खिलाफ बाबर आजम जल्दी आउट हुए हैं। तो बाबर आजम को मैं समझता हूँ कि अब तो हो गया जो होना था, लेकिन ये बाबर आजम की जो फॉर्म निकली है अब आई होप जिसको कहते हैं ना अफगानिस्तान की सीरीज के अंदर बाबर आजम की फॉर्म वापस आए क्योंकि वहां पे आपको खतरनाक स्पिनर्स मिले जो कि 40 ओवर करेंगे। रही बात नसीम शाह की इंजरी की अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दे, तो पहले धचका लगा हुआ है, अपडेट ये आ रही है कि इंजरी ज्यादा सीरियस ना हो जाए इस वजह से नसीम शाह को रेस्ट दिया गया आज के मैच के अंदर। अब ये बातें सामने आ रही, इससे पहले न्यूज ये थी कि शोल्डर इंजरी हुई है, करुणा रत्ने जो कि कैप्टन थे टीम के उन्होंने आके बताया कि उसको शोल्डर इंजरी इस वजह से नसीम शाह खेल नहीं रहे आज का मैच, लेकिन बाद में अपडेट ये है कि नसीम शाह को ज्यादा सीरियस इंजरी से बचाने के लिए उसको जिसको कहते हैं ना उनको रेस्ट दिया गया कि ताकि वो रिकवर जल्दी कर जाए। अब हल्का सा जिसको कहते हैं कुछ फील हुआ होगा शोल्डर के अंदर, इस वजह से एहतियाती तौर पे ना उन्होंने अपने आप को बचा लिया कि मैच जिसको कहते हैं ना मैच नहीं खेलोगे तो टीम मैनेजमेंट ने खेलने दिया होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी अंदर की बातें कुछ और हो सकती हैं। ये जिसको कहते हैं ना मैच ना खेलना उसके बावजूद शोल्डर इंजरी आना, तो ये धचका पाकिस्तान को आगे जाके हो सकता है। अगर वो अफगानिस्तान की ओडीआई सीरीज नहीं भी खेलते तो मंजूर है, लेकिन एशिया कप तक वो फिट हो जाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं तो चाहूंगा कि एशिया कप तक वो फिट हो क्योंकि वो पाकिस्तान का मेन प्ले बॉलर है। लोग बातें करते हैं शाहीन शाह अफरीदी हमारा मेन बॉलर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नसीम शाह उतना ही मेन बॉलर है। नसीम शाह जो आपको करके दिखाएगा वो आपको अंदाजा नहीं है, वो राइट हैंड बॉलर है, वो इन स्विंग भी फेंकता है, वो आउट स्विंग भी करता है, वो बड़ा खतरनाक बॉलर है। तो नसीम शाह का मैच में पाकिस्तान के लिए होना, एशिया कप के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका बनता भी है। और ये कोलंबो स्ट्राइकर के अंदर दोनों पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स हैं, बाबर आजम हो गए, ये नसीम शाह हो गए,
इफ्तिकार अहमद हो गए, मोहम्मद नवाज हो गए, इमामुल हक भी इसी टीम के अंदर थे, और ये सब के सब जिसको कहते हैं ना इन्होंने एशिया कप में खेलना है, तो वही बात आ गई कि सारे के सारे खेल रहे थे और इनका फॉर्म में रहना बड़ा जरूरी था। बाबर आजम नहीं चला, इफ्तिकार अहमद भी नहीं चला। इफ्तिकार अहमद को तो एटलीस्ट जिसको कहते हैं ना रन करने चाहिए थे, आगे ओडीआई सीरीज है। नवाज भी एक जिसको कहते हैं मैच जितवाया 10-12 रन करके, उसमें वो भी नहीं चला उसके बाद से। तो ये सबकी परफॉर्मेंस सामने है। फकर जमान अभी तो श्रीलंका के जिसको कहते हैं व्हील ऑफ कैंडी के अंदर ज्यादातर मैचेस में नहीं चला, मोहम्मद हारिस ने रन किए हैं, लेकिन सवाल यही आता है ना कि अब आगे आपकी तैयारी कैसे होगी। तैयारी करनी पड़ेगी आपको। बेशक हमने बड़ा अप्रिशिएट किया बाबर आजम ने सेंचुरी मारा था, बड़ा खुशी भी हुई, लेकिन खुशी मजा दोबारा होता कि बाबर आजम अपनी टीम को क्वालिफाई भी करवाता। आज जिसको कहते हैं शामसी ने ग्रेट बॉलिंग की है, जिसकी वजह से इनकी टीम जिसको कहते हैं जीती है और कोलंबो स्ट्राइकर बाहर हुई है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा, लेकिन फिलहाल के लिहाज से आई एम डिसअपॉइंटेड कि बाबर आजम ने जिसको कहते हैं ना फ्रंट से लीड करना चाहिए था बाबर आजम को। बेशक कैप्टन नहीं था, लेकिन बाबर आजम पे पूरा कोलंबो डिपेंड कर रहा था कि उसको लिया। बड़ा प्लेयर को जब आप लेते हैं ना किसी फ्रेंचाइज से, तो फिर आप उम्मीद करते हैं कि वो आपको एटलीस्ट जिसको कहते हैं ना नॉकआउट मैचेस तक पहुंचाए। तो बाबर आजम को पहुंचाना चाहिए था, बाबर आजम को अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अदरवाइज जिसको कहते हैं बाबर आजम के लिहाज से तो उसका हाईएस्ट रन गेटर है अभी तक लंका प्रीमियर लीग का, तो उसका तो बुरा सीजन नहीं रहा। लेकिन हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जितनी खतरनाक पिचेस हैं, तो ये जिसको कहते हैं ना इतने रन भी बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी 75 रन करके आप कोई मुकाबला जीत नहीं सकते। तो कोलंबो स्ट्राइकर को अगली दफा अच्छी टीम बना के आना चाहिए और अच्छे प्लेयर्स को पिक करें। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।